में कुछ दिनों में मानसून दस्तक देने वाला है, जिसे लेकर एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है, वहीं दूसरी तरफ निगम की आधी अधूरी तैयारी से बरसात में राहगीरों के लिए भी मुसीबत बढ़ने वाली है। दरअसल मानसून से पहले निगम प्रशासन को शहर में पाइपलाइन बिछाने और ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना था, लेकिन सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। वहीं नालों की भी अभी तक सफाई नहीं हो पाई है। निगम सफाई करता है, हफ्ता में 2-3 बार करता है, उसके बाद भी पूरा रोड से आता हुआ बहता पानी पूरा यहाँ पे जमा होके पूरा ऐसा लगता है समुद्र बन गया है। इस साल का नहीं है, हर साल का यही है वजह है। तो यही कारण से हम लोगों का दुकान पर भी बहुत दिक्कत जाता है, दुकानदारी करना भी बारिश। निगम द्वारा तो हर बार बोला ही जाता है, लेकिन ये खाली कागज में दिखाने के लिए वो नाली साफ करते हैं या जैसा भी करते हैं। आप थोड़ी सी बारिश में देखेंगे शहीद पार्क से एयरपोर्ट रोड पूरा डूब जाता है। हमारा घर भी उधर ही है, हमको जाना रहता है तो हमको या तो सनसिटी होते हुए जाना रहता है या तो आप सीधा हाईवे होते हुए जाना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारी जो ये निगम की व्यवस्था है इसको बहुत इसमें काफी सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ से अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो रोड ऐसा लगता है कि ना नाली रोड में आ गया है लगता है। जो लोग कार से जाते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो लोग पैदल जाते हैं उनको घुटने तक पानी का पूरा सामना करना पड़ता है। जितने भी अभी हमारे बड़े नाले थे लगभग हम उसकी सफाई कर चुके हैं, जो डुबान क्षेत्र हैं और जो हमारा सबसे बड़ा नाला जो सन सिटी से होते हुए हाईवे की तरफ जा रहा है वो नाला भी हमारा लगभग पूर्णता की ओर है। तो शहीद पार्क के पीछे जो लगभग 8 से 10 वार्डों का पानी इकट्ठा होकर वहाँ दलदल के रूप में हो जाता था, अब उसकी निकासी आसानी से। और खबर इंदौर से है, जहाँ घोषित